जी, मेरा नाम राकिब खान है। मैं जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन का जिला प्रभारी हूँ। आज मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आया था। यहाँ हमें मरीजों के हम लोग मरीजों का हालचाल जानने आया था। यहाँ हमें मरीजों ने बताया कि यहाँ पे बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। काफ़ी बार हमने यहाँ के सीएमओ साहब से हमने मांग की है कि मतलब के बाहर की दवाइयाँ ना लिखें, लेकिन अभी तक यहाँ पे सुधार पैदा नहीं हुआ है। बाहर की दवाइयाँ खूब धड़ाके से लिखी जा रही हैं। दूसरी वजह जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है डॉक्टरों को लेकर है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे डॉक्टर जो है हार्ट के नहीं है, बच्चों के डॉक्टर्स नहीं है। उसको हमारी मांग है उनसे कि यहाँ पे जो है डॉक्टरों की कमी को पूरा करा जाए। हमने सीएमओ साहब से मांग की है, लगातार हम मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम मांग करते हैं उनसे कि यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा करा जाए। क्योंकि काफ़ी यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं इलाज कराने, बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं कि हम अस्पताल आएंगे तो वहाँ इलाज होगा, लेकिन यहाँ पे आने की उम्मीद उनकी टूट जाती है। क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि डॉक्टर सीएमओ साहब काफ़ी अच्छे हैं और सीएमओ साहब बहुत लोगों की हेल्प भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनते हुए यहाँ पे डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा तीसरी मंजिल पे जो पानी की समस्या है वहाँ पे पियाव होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार मैं देख रहा हूँ अस्पताल के अंदर पियाव है, नीचे है, लेकिन हमारी मांग है जो तीसरी मंजिल पे जो पानी का पाइप लगा हुआ है लेकिन वहाँ पे पियाव नहीं है, वहाँ पानी नहीं आता है। तो हमारी मांग है कि वहाँ पे पानी को ठीक करा जाए, वहाँ पे पानी आया जाए। क्योंकि मरीजों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो पेशेंट नहीं चल पाते हैं उनको नहीं पता पानी का, तो वो तीसरी मंजिल पे एडमिट होते हैं तो वहीं से पानी ले लें।